Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8th December 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about OPEC plus. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो सबसे पहले समझते हैं अबाउट ओपेक ग्रुप तो ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज तो जैसा कि नाम से आपको समझ आ रहा है कि दुनिया के जो मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनका ये ग्रुप है ओपेक इसका हेडक्वार्टर है इन वियना ऑस्ट्रिया इसको बनाया गया था इन 1960 इन बगदाद तो फाउंडर मेंबर तो हैं ईरान इराक कुवैत सऊदी अरबिया वेनेजुला द मोस्ट क्रूड ऑयल रिच कंट्रीज इन्होंने करके बनाया. Time, so, time, 14 और जैसा कि मैंने आपको कहा कि दर्पज इज टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कंट्रीज सो दैट दे कीप द प्राइस फेयर एंड स्टेबल ऑफ क्रूड ऑयल इन द इंटरनेशनल मार्केट देखिए क्यों इनके बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है वो भी समझिए अगर मार्केट में ऑयल की सप्लाई बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन सारे देश ज्यादा ज्यादा ऑयल सप्लाई और प्रोड्यूस करने लगते हैं तो होगा क्या प्राइस क्रैश करेगा एंड दैट लीड टू इकोनॉमिक कॉम्प्रोमाइज फॉर दीज कंट्रीज दैट विलीड टू इकोनॉमिक लॉस फॉर दीज कंट्रीज क्योंकि प्राइस जब नीचे जाएगा तो ऑयल एक्सपोर्ट ही इनका अर्निंग का मेजर जरिया है वहां से इनको नुकसान होगा तो आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए ओपेक ग्रुप ने ये आ, एक ये प्लेटफॉर्म आपस में बनाया है तो अगर देखा जाए द सिग्निफिकेंस ऑफ ओपक देन यू यूल्ड की एट्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व बिलोंग टू दीस फ्यू कंट्रीज ओनली 14 कंट्रीज अभी ओपेक के बाद फिर एक कॉन्सेप्ट लाया गया ओपेक प्लस विच इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ ओपेक वे फ्यू मोर कंट्रीज दैट आर रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस दे ऑल्सो ज्वाइन ओपक फॉर एग्जाम्पल अजरबाइजान बारेन रूनाइ कजाकिस्तान मलेशिया मैक्सिको ओमान रसिया साउथ सूडान एंड सूडान दे आर पार्ट ऑफ ओपक प्लस दट इज एक्सटेंशन ऑफ ओपेक आप करेंट न्यूज पे आते हैं तो ओपेक का तो फाउंडर मेंबर है सऊदी अरेबिया लेकिन ओपेक प्लस का एक मेंबर है रसिया तो रसिया और सऊदी अरेबिया विच आर पार्ट ऑफ ओपेक प्लस ग्रुपिंग आपस में इन्होंने उनके हेड ऑफ द स्टेट्स ने मीटिंग की है एंड रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग नाउ द हेड ऑफ द स्टेट्स हैव डिसाइडेड कि दे विल कट डाउन द ऑयल प्रोडक्शन द सऊदी अरेबिया एंड रशिया वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर्स कॉल्ड फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ ओपेक प्लस टू ज्वाइन एन एग्रीमेंट ऑन ऑयल आउटपुट कट्स क्योंकि इनको लग रहा है कि प्राइसेज जो है वो फॉल कर रहे हैं प्राइसेज है ऑप्टिमम लेवल से नीचे जा रहे हैं तो इस कारण से इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेशन डेवलप करने का सोचा है कि बाकी के जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं उनको ये एक एक तरीके से एक सजेस्ट करें कि वो भी प्राइसेस को कट डाउन करें वो भी सप्लाई को कट डाउन करें आउटपुट को कट डाउन करें आउटपुट को कट डाउन करने से सप्लाई कम होगा सप्लाई कम होगा तो रिलेटिव डिमांड इंक्रीज एंड इंक्रीज द प्राइस तो दैट इज वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूंग ऑपरेशन एट द ओपे प्लस ग्रुपिंग सो दैट द कंट्रीज कूड बेनिफिट विद द को ऑपरेशन ये सारी जो डेवलपमेंट है वेर यू सी रसिया एंड सऊदी अरेबिया कोऑपरेटिंग विद ईच अदर इसका अगर लार्जर पिक्चर देखा जाए इंटरनेशनल रेशंस में तो आपको सोचने को मिलेगा कि साउदी अरेबिया

के बावजूद भी ऑन वन साइड सऊदी इज अ काइंड ऑफ प्रोक्सिमिटी इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कन्वर्जेंस ऑफ सऊदी अरेबिया विथ रसिया मे बी बिकॉज ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट दैट आर हैपनिंग इन वेस्ट एशिया स्पेशली बिटवीन इजराइल एंड हमास इजराइल हमास कंफ्लिक्ट में यूएस नेचुरपोर्ट इसराइल तो इस कारण से अभी सऊदी अरबिया विच इज ऑफकोर्स सिम्पथी फॉरी फॉर फलियन पीपल तो सऊदी अरबिया अभी के, के और अरबिया और इसराइल के रिलेशन से खराब होने लगे हैं जो ठीक हो रहे थे बिकॉज ऑफ अब्राहम अकॉर्ड ये तमाम चीजें चल रही हैं आई एम अगेन रिपीटिंग सऊदी अरबिया इसराइल के क्लोज आ रहा था लेकिन अब जराइल हमास कंफ्लिक्ट के कारण फिर सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में डिफरेंसेज आए और यूएस यूएसराइल को सपोर्ट कर रहा है ऑफ कोर्स हमेशा से करता रहा है तो सऊदी और यूएस के बीच में डिफरेंसिज आए हैं बिकॉज ऑफ दिस हमास दिसराइल एंड दैट इज वाई डिस्पाइट यूएस सैंक्शन ओवर रसिया अंडर काटसा लॉ एंड मोर आफ्टर ऑन यूक्रेन सऊदी अरेबिया इज बींग सीन डेवलपिंग प्रॉक्सिमिटी विथ सिया ये सारी चीजें जो है इंडिकेट करती हैं कि रसिया चाइना सऊदी अरबिया एक्सेस माइट बिकम स्ट्रॉन्गर इन फ्यूचर इन वेस्ट एशिया विच माइट अलाउ चाइना टू हैव स्ट्रोंगर फुटप्रिंट इन वेस्ट एशिया तो ये सारी चीजें हो सकती हैं जिसको हम लोग समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट एक और चीज हो सकती है दिस इज अगर हम लोग इतना ज्यादा ना सोचें तो इट कैन बी सीन एड जस्ट एन इकोनॉमिक कोऑपरेशन विध नो डीपर स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट सोल यह भी हो सकता है भारत की अगर बात की जाए तो अगर ये ऑयल सप्लाई को कट डाउन करते हैं ओपेक प्लस कंट्री जैसा कि यहाँ पे सऊदी अरबिया और रशिया ने सजेस्ट uh, किया है बाकी मेम्बर्स को ओपेक प्लस के अगर ऑयल कट डाउन करते हैं ऑयल सप्लाई का तो ऑयल प्राइस विल अगेन गो अप विच विल है बिकॉज इंडिया का एटी टू एसेंट जो क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है दैट इज मेड थ्रू इम्पोर्ट तो फिर हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा बिकॉज दाइसेज एंड करेंट अकाउंटिट इन दैट माइट लीड टू इन्फ्लेशन ऑल्सो क्योंकि जब पेट्रोल डीजल महंगे होंगे तो दैट विलीड टू ओवरऑलिंग इम्पैक्ट ऑन द इकोमी ओवरऑल इन्फ्लेशन वीकनिंग ऑफ रुपी भी हो सकता है वेन देर इज करेंट अकाउंट डेफिसिट रिलेटिव डिक्लाइन इन द एवेबिलिटी ऑफ फॉरन करेंसी स्पेशली डॉलर एंड ऑल दैट विलीड टू वीकनिंग ऑफ रुपी ऑल्सो सो so ये सारे चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं इकोनॉमिक सेंस में अगर बात की जाए तो ऑफ द करेंट नैगोसिएशन गोइंग ऑन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड रसिया अगर ये जो सजेशन दे रहे हैं या बाकी देश मानते हैं तो ये भारत के लिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है और इसका अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स पे देखा जाए क्या क्या इम्प्लीकेशन है या क्या इन्फ्लुंस ड्रॉ किए जाते हैं तो वो ये सब हैं

देखिए ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं यूनाइटेड नेशंस के सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स ये जनरल कोर काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो यूनाइटेड नेशन की एक कोर ऑर्गन है उसमें आप देखेंगे कि इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के साथ अटैच होकर के कई सारे स्पेशलाइज एजेंसीज ऑफ The United Nations काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल आई एल ओ एफ एस्को डब्लू एच ओ ये सब एजेंसी का जो आप नाम सुनते हैं ऑल दीज फिज ऑफ यूनाइटेड नेशन डायरेक्टली एसोसिएटेड विद यूनाइटेड नेशन बट दे एक्ट इन कोडिनेशन विदिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन विच इज इकोस्टॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड वर्क इन डिफरेंट एरिया उ फुलफिल मेनी रोल टू बी इम्प्लीमेंटेड बाईट ने इन सबको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है अलग अलग फील्ड में काम करने का उब्जेक्ट तो, लोग काम करते हैं तो एक इसी तरीके की स्पेशलाइज एजेंसी है यूनेस्को आपने नाम सुना होगा यूनेस्को तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के कोर्डिनेशन में काम करती है यूनेस्को यूनाइटेड Nations, and cultural, uh, UNESCO. UNESCO का काम क्या होता है धरोहर चाहे वो कल्चरल हेरिटेज हो नैचुरल हेरिटेज हो या इन टेरिटेजेज हो उनको प्रिजर्व करके रखना धरोहर जैसे लाल किला ताजमहल इन सब चीजों को दीज आर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर हेरिटेजेस राइट तो इनको प्रिजर्व करके रखना ये सब यूनेस्को का काम होता है तो यूनेस्को का मैंने जैसा मैंने आपको बताया इट इज क्वार्टर है इन इट वाज फाउंडेड इन 1945 राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर व्हेन यूएन वाज क्रिएटेड इसका पर्पस है वर्ल्ड लेवल पे हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करके रखना तो हेरिटेजेस की अगर बात की जाए जिसका काम है यूनेस्को को प्रोटेक्ट करके हेरिटेजेस की अगर बात की जाए यूनेस्को का काम है हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करके रखना तो हेरिटेजेस को दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जा सकता है टेंजिबल हेरिटेजेस ऐसे हेरिटेजेस जिसको हम टच कर सकते हैं फील कर सकते हैं इन टेंजिबल हेरिटेजेस जिसको हम बस एक्सपीरियंस uh, कर सकते हैं किसी को परफॉर्म करते हुए एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो टेंजिबल हेरिटेजेस के अंदर आ जाता है नेचुरल हेरिटेज जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क एंड ऑल कल्चरल हेरिटेजेस जैसे लाल किला ताजमहल एंड ऑल मिक्सड विच विल हैव फीचर्स ऑफ बोथ इन टैंजिबल हेरिटेजेस परफॉर्मिंग आर्ट्स रिचुअल इन टैंजिबल हेरिटेजेसो तो हाउ इन ट्रिटेजेड तो देर इज एन इंटर गवर्नमेंटल हेरिटेज कौन कौन से होंगे भारत से अगर बात की जाए तो चौदह ऐसे इन टेंजिबल हेरिटेजेस हैं जिनको यूनेस्को ने आइडेंटिफाई किया और जिनको प्रिजर्व करने के लिए यूनेस्को काम करता है बुद्धिस्ट चैंटिंग कालबेलिया डांस फ्रॉम राजस्थान छाउ डांस कोडियम कुंभ मेला ये सब आपने रटा जरूर होगा आर्ट एंड कल्चर के क्लासेस में तो चौदह ऐसे इन हेरिटेजेस थे जिनको यूनेस्को ने आइडेंटिफाई कर रखा था जो फोर्टींथ वन है दैट इज दुर्गा पूजा जिसको यूनेस्को ने इन कल्चरल हेरिटेजेस में इन हेरिटेजेस में इंक्लूड किया था इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन अभी करेंट न्यूज क्या है यूनेस्को ने गुजराती फोक डांस गरबा को भी अपने इन हेरिटेज में इंक्लूड कर लिया है एंड विद दिस इट बीफीन फ्रॉम इंडिया ऑफ इन टेरिटेजेस इस टॉपिक के बेसिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज टेम दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन इज अबाउट गूगल जेमिनी वर्सेस चैट जीपीटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर मारेबस जी एस पेपर थ्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू देखिये गूगल लेकर के आया है एक काफी एडवांस्ड फॉर्मेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम है जेमिनी इट वुड बी लार्जेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल इन द वर्ल्ड एज पर गूगल तो जेमिनी के तीन मॉडल हैं अल्ट्रा प्रो एंड नैनो और गूगल का कहना है गूगल है इट वुड बी मोस्ट सुपीरियर

ऐसा गूगल का क्लेम करना है गूगल का खुद का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जिसका नाम है जेमिनी जेमिनी क्या कर सकता है इट कैन रिकॉग्नाइज इमेजेस एंड स्पीक इन रियल टाइम तो मतलब बिल्कुल आपसे रियल टाइम पे शाहरुख खान का इमेज आइडेंटिफाई करके बोल देगा ये तो शाहरुख खान है या आपसे बातचीत करने का आपको सेंसेशन दे सकता है कि इट इज टॉकिंग टू यू इन रियल टाइम इट इज फाइव टाइम्स स्ट्रोंगर दैन जी पी टी फोर एज फार एज डेटा एनालिसिस कंसर्न इसके पास काफी जेमिनी में फास्ट प्रोसेसिंग है विच एनेबल्स इट टू टैकल कॉम्प्लेक्स टास्क सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज द फर्स्ट ए आई मॉडल टू आउट परफॉर्म ह्यूमन एक्सपर्ट ऑन एम एम एल यू बेंचमार्क विथ नाइंटी परसेंट स्कोर तो सवाल उठता है कि क्या है एम एम एल यू बेंचमार्क इस तरह के सब्जेक्ट पे बेसिस पे एक टेस्ट पेपर बनाया जाता है उस टेस्ट पेपर को फिर अलग अलग ह्यूमन एक्सपर्ट को दिया जाता है अटेम्प्ट करने को साथ ही साथ जेमिनी को भी दिया गया इस टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करने को अभी तक ऐसा कोई भी ह्यूमन uh, कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं था जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स को इसमें बीट कर पाए इस एम एम एल यू टेस्ट में लेकिन जेमिनी ने इस एम एम एल यू टेस्ट में ह्यूमन एक्सपर्ट्स को बीट किया है एंड इट हैज इवन स्कोर्ड नाइनटी परसेंट इन दिस फिफ्टी सेवन सब्जेक्ट टेस्ट जिसका नाम है एम एम एल यू तो दैट इज एन इंडिकेटर कि नाउ मोर एंड मोर अपग्रेडेड सोफेस्टिकेटेडी पर काफी इंपॉर्टेंट है देखिए अर्थक्वेक के कारण क्या होते हैं अर्थक्वेक के नेचुरल फैक्टर्स होते हैं कारण फॉल्ट लाइन डेवलप हो जाए अगर टू प्लेट बाउंड्रीज के बीच में जैसे ओसन 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 क्रस्ट ओसन कॉन्टिनेंट 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 प्लेट बाउंड्रीज के बीच में फॉल्ट लाइन डेवलप हो जाए या तो हो वैसे केस में अर्थक्वेक्स हो सकते हैं नेचुरल फैक्टर्स तो आप देखोगे कि वोल्कैनोज में नॉर्मली डीप फोकस अर्थक्वेक रहता है जबकि अगर फॉल्ट लाइंस के कारण अर्थक् uh, आ रहा है तो सैलो फोकस रहता है इसी कारण से यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एंड इट इज मोर डेंजरस एज फर एज कैटेस्ट ऑफ इज कंसर्ट सैलो फोकस मतलब द फोकस इज नॉट वेरी डीप जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है इफ द अर्थक्वेक इज बिकॉज ऑफ फॉल्ट लाइन तो इस कारण से इसके डैमेजेस ज्यादा होते हैं उसके अलावा मैन मेड फैक्टर्स भी हैं जिस कारण से छोटे मोटे अर्थक्वेक आ सकते हैं जैसे माइनिंग लार्ज स्केल पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन एंड ऑल तो इस तरीके से कुछ फॉल्ट लाइन होगा फॉल्ट लाइन वेयर देयर विल बी अइंड ऑफ क्रैक इन दर्थ क्रस्ट एंड वेयर वन साइड ऑफ द क्रस्ट विल स्लिप अगेंस्ट द अदर सो कहते हैं हम लोग फॉल्ट लाइन तो हिमालया के अलोंग तो कई सारे फॉल्ट लाइन है क्योंकि हिमालया जो रेंजेस है दैट इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस एक तरफ से हिमालयन रेंजेस है ऊपर से यूरेसियन रेंजेस हैं एक तरफ से इंडियन सब कॉन्टिनेंट है और दूसरी तरफ से यूरेसियन कॉन्टिनेंट है और उनके कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से बने हैं ये प्लेट बाउंड्रीज और वहां पे फिर कई सारे फॉल्ट लाइंस हैं हिमालय रीजन में बट अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में एक सिग्निफिकेंट फॉल्ट लाइन है असम के अला जिसका नाम है कोपिली फॉल्ट कोपिली फॉल्ट के कारण ही पूरा का पूरा आसाम आप कह सकते हैं सेस्मिक जोन फाइव में आता है मेकिंग एंटायर आसाम हाईली वलरेबल टू अर्थ अभी कोकली कोपिली फॉल्ट अब देखो तो ऐसा कहीं से निकलता है फॉल्ट ले मतलब क्रैक्स इन द क्रस्ट तो नगांव रीजन अलोंग कोपली रिवर में है कोपली भी कोपली फॉल्ट के बारे में हमने समझ लिया अब जरा आप समझिए एक टर्म जो है पैलियोसेस्मिक इन्वेस्टिगेशन पैलियोसेस्मिक इन्वेस्टिगेशन में किया क्या जाता है कि अर्थ क्रस्ट के में अलग अलग रॉक्स को स्टडी किया जाता है तो बीनीथ द अर्थ सरफेस अलग अलग रॉक्स को स्टडी किया जाता है और उनके बेसिस पे पता लगाने की कोशिश की जाती है कि पहले जो अर्थक्वेक्स आए थे इस एरिया में इस रीजन में वो किस तरह के थे उनकी कितनी इंटेंसिटी थी तो बेसिकली सेस्मिक इन्वेस्टिगेशन मीन्स स्टडी ऑफ अंडरग्राउंड रॉक्स इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट

predict to some extent the nature of the earthquake in a particular region if it comes in the future to तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ रही है बात ये क्रस्ट है उसके नीचे का जो रॉक है उसको स्टडी करके कुछ हद तक पता लगाया जाता है कि इस एरिया में जो पुराने अर्थक्वेक आए थे वो कितने डेंजरस थे उनके क्या इम्पैक्ट हुए हैं और उसके बेसिस पे फिर फ्यूचर में उस तरह के रॉक अर्थक्वेक्स आ सकते हैं उनके कितने चांसेस हैं तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन इज अ मेथड वेयर वी स्टडी द रॉक्स अंडरग्राउंड रॉक्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक इन फ्यूचर एंड किस तरह की अर्थक्वेक आ सकती है करेंट न्यूज इसी से रिलेटेड है जो कोपली फॉल्ट रीजन है वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म ने स्टडी किया है आप कह सकते हैं पैलियोसेस्मिक इन्वेस्टिगेशन किया जिसको है जिसको हम लोग कहते हैं सेस्मिक लिक्विफेक्शन देखिए होता क्या कि है किसी रीजन में अगर अर्थ आया यहां पे अर्थ आया पे तो क्रस्ट टूट जाते हैं क्रश्ट जब टूट जाते हैं तो बीच में कई सारे गैप्स बन जाते हैं उन गैप्स के बीच में फिर लिक्विड सैंड के साथ मिल करके अंडरग्राउंड लिक्विड सैंड के साथ मिल करके एक सेमी लिक्विड टाइप सिस्टम बना देता है जो इन क्रैक्स में जाकर के घुस जाते हैं और वहां पे फिर ओवर पीरियड टाइम में सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो क्रिएट अ अट ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर रॉक स्ट्रक्चर इस तरीके के सिल डाइक एंड ऑल उनको स्टडी करके किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पहले कैसे अर्थक्वेक आए थे उसके बारे में जाना जा इसके पे फ्यूचर में इस तरह के को किया जा सकता है पास्ट विल बी मोस्ट लाइकली इन फ्यूचर अगेन तो उसी के बेसिस पे पेलियोसेस्मिक इन्वेस्टिगेशन की जाती है और फ्यूचर में आने वाले अर्थक्स के बारे में पता लगाने की कोशिश की जाती है ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस साल के लिए कोपली फॉल्ट और वहाँ पे फिर पैलियोस्मिक इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हाल फिलहाल में डेवलपमेंट हुए हैं मुझे लगता है इस पर सवाल बन सकता है आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए कल जब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था गांधी और मार्क्सिज्म के बीच में द तो फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी मिलेट से रिलेटेड पहला और तीसरा स्टेटमेंट चाहिए दूसरा गलत है मिलेट को कम पानी चाहिए होता है और फ्लैग डे से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है 2015 में नहीं 1949 से ही फ्लैट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है बट दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है दैट्स ऑल फ्रॉम आवर सर फॉर टुडे थैंक्स फॉर वाचिंग